दिल्ली से सटे फरीदाबाद के बड़खल क्षेत्र में जनता के लिए मनोहर सरकार द्वारा बनाए जा रहे हाईटेक बस स्टैंड की तैयारी जोरों पर है। बता दें कि इस हाईटेक बस स्टैंड में पार्किंग से लेकर टिकट काउंटर और शॉपिंग मॉल की सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं जो लोग फरीदाबाद से दिल्ली जाकर लॉन्ग रूट की बस की सुविधा लेते थे, अब वो फरीदाबाद के इस हाईटेक बस स्टैंड पर ही बस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे और जल्द ही इस हाईटेक बस स्टैंड को शुरू कर दिया जाएगा। ये स्टैंड फरीदाबाद का एकमात्र ऐसा बस स्टैंड होगा जिसमें आम लोगों को आधुनिक सुविधा के साथ साथ पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। देखो, ये सरकार का काबिले तारीफ काम है कि हमारे फरीदाबाद की जनता को एक इतना बस अड्डा, हाईटेक बस अड्डा पीपी मॉडल के तहत बनने जा रहा है, जिसमें जनता को मतलब लॉकर सुविधा भी यहाँ उपलब्ध रहेगी, एसी वेटिंग रूम रहेगा, हमारे ड्राइवर कंडक्टर जो बाहर की बसेज आती हैं 10 सीट की, उनके लिए सारा वेटिंग रूम वगैरह हैं, उनके रात के नाइट स्टे के लिए रेस्ट रूम वगैरह हैं, वो भी एसी रहेंगे। 18 गाड़ियाँ एक बार ऑपरेट, एक मतलब काउंटर इन्होंने बना के दिए हैं, उसके बावजूद 25 से 30 गाड़ियाँ बाहर पार्किंग के लिए हैं। मल्टीपर्पज़ जो है इनकी पार्किंग है, जिसमें 900 गाड़ी ड्राइव मोटरसाइकिल, स्कूटर और कार एक बार में खड़ी हो जाएंगी। उसके बावजूद मॉल है, 6 मंजिल का मॉल है, इसमें 8 ओडी वगैरह है, पीवीआर है। रतिया में एसडीएम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने आज शहर के गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल व बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल का निरीक्षण किया। एसडीएम ने स्कूलों में अनेकों खामियां पाई। स्कूलों में देखा गया कि कंप्यूटर धूल फांक रहे हैं और कई सिस्टम बंद पड़े हैं। इतना ही नहीं, पीने के पानी को लेकर भी कई दिक्कतें पाई गई, जिसको लेकर एसडीएम ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और स्कूल प्रिंसिपल को सख्त निर्देश दिए कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर सभी खामियों को दुरुस्त करें, अन्यथा कार्रवाई होगी। स्कूल में एसडीएम के पहुंचने पर स्कूल स्टाफ में हड़कंप मच गया। एसडीएम ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उन्होंने दोनों सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया है, खामियां पाई गई हैं, 1 सप्ताह का समय दिया है, अगर 1 सप्ताह के अंदर खामियां दूर नहीं की गई तो कार्रवाई की जाएगी। आज मैंने गर्ल्स स्कूल की और बॉयज स्कूल की, रतिया की, दोनों की जो है निरीक्षण किया है। उचक और बीओ साहब मेरे साथ रहे हैं, तो स्कूल के निरीक्षण के दौरान 3-4 चीज़ों के ऊपर फोकस किया था। एक तो क्लास में जो टीचर्स अवेलेबल हैं या नहीं है, एक साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है, एक पीने के पानी की व्यवस्था कैसी है, और बच्चों को किताबें मिली या ना मिली। तो इसमें जो है कि मुझे दोनों स्कूलों में कुछ कुछ जो है सही चीज़ें भी मिली, कि क्लास में टीचर्स जो भी थे अवेलेबल मिले हैं, बच्चे ऑर्गेनाइज तरीके से थे, और जो है हर क्लासरूम में पंखे भी चले हुए थे, बिजली भी थी सर। लेकिन जो साफ सफाई की व्यवस्था है वो दोनों जगह जो है मुझे काफ़ी खस्ता हालत में मिली है। उसके लिए मैंने प्रिंसिपल्स को निर्देश दिए हैं कि वो जो है सफाई की व्यवस्था का ध्यान रखें। पीने के पानी को लेकर भी जो है कुछ शिकायतें थी मेरे पास, तो एक दर्जन ऐसा पता लगा है कि उन्होंने तुरंत ही तैयार की है, लेकिन प्रिंसिपल ने आश्वासन दिया है कि पीने के पानी की सुविधा जो है वो सुचारू रूप से चला दी जाएगी। महेंद्रगढ़ शहर के मेन बालाजी चौक व विश्वकर्मा चौक पर सबसे बुरे हालात है। यहाँ चल रहे विकास कार्यों के कारण अनेक लोग गिरकर घायल हो रहे हैं, वहीं अनेक लोगों के वाहन भी वहां फंसे हुए हैं। लोगों ने पालिका की इस कार्यप्रणाली पर रोष जताते हुए शीघ्र इस कार्य को पूरा करने की मांग की है। दुकानदारों का कहना है कि इस मौसम ठेकेदार दिन में रोड को खुदवा कर इस तरह से सारे रास्ते को प्रभावित कर रहे हैं, ऊपर से यहां आने वाले वाहनों पर भी कोई रोक नहीं लगाई गई, जिससे यहाँ ट्रक वगैरह आकर फंस जाते हैं। दुकानदारों ने प्रशासन से मांग की है कि उपायुक्त व एसडीएम मौके का निरीक्षण कर इस मामले में संज्ञान लें। भाई, समस्या ही समस्या है, सारे दिन यहाँ पिछले 1 महीने से बहुत ही बुरा हाल करके छोड़ दे रखा है। सारे तो दुकानदार मार के गिर दिए, इनने सारी व्यवस्था मार के गिर दी। पाड़न का बेरा है, बनाने का नहीं बेरा। इसे जेएमए है, इसे सारे अधिकारी है, किसी ने कुछ नहीं। जो काम स्टेप बाई स्टेप होना है, यहाँ सुबह लाइन पाड़ के डाल रखी थी, उसमें नीचे से सीवरेज लाइन पाड़ के गिर दी, पीने के पानी की लाइन पाड़ के गिर दी। नीचे से पहले एक जो पानी की लाइन होती थी ना, वो ठीक होती, लेकिन उन ठेकेदारों ने ना अपनी जान बूझ के पहले वो काम किया और पब्लिक अथॉरिटी को वो काम ना करने दिया। ऊपर से ये ईसा काम करते ट्रॉला फंसवा के गिर दिया। यहाँ पर सुबह से सारे ट्रैफिक व्यवस्था पूरी बंद पड़ी है, कोई समाधान नहीं हो रहा। दुकानदारी चौपट करके गिर दी।
मार के घेर रखे है, सारा हर तरफ का व्यापारी मार के घेर रखे है। चरखीदात्री जिले का कस्बा बाड्रा को नगर पालिका से वापस पंचायत का दर्जा दिलाने की मांग पर सीएम मनोहर लाल द्वारा सर्वे करवाने की घोषणा की गई है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर नगर पालिका या पंचायत का दर्जा देने का फैसला लिया जाएगा। बाड्रा व हंसावास खुर्द के ग्रामीण डीसी कार्यालय पहुंचे और सीएम की घोषणा अनुसार हुए सर्वे में धांधली के आरोप लगाए। साथ ही ग्रामीणों ने मामले की जांच करवाकर नगर पालिका का दर्जा कायम रखने की मांग की। डीसी श्यामलाल पुनिया ने मामले की जांच करवाने व जांच के बाद ही सर्वे रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेजने का आश्वासन दिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय 8 जुलाई को चरखीदादरी में आए थे, उस दिन कुछ ग्रामीणों की तरफ से ज्ञापन उनको सौंपा गया था, जिसमें चरखीदादरी का जो नगर पालिका का दर्जा भंग करके ग्राम पंचायत बहाल करने की बात उन्होंने उठाई थी और उसके अनुपालना में 2009 में एक सरकार की तरफ से कमेटी बनी हुई है, जिसमें एडीसी हैं, एसडीएम कंसर्न्ड है, डीटीपी है और इनकी एक कमेटी ने ग्राउंड लेवल पर टीमें बना के एक सर्वे करवाया है और उसकी रिपोर्ट भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कल तक हमारे पास आ जाएगी फाइनल रिपोर्ट, उसको सरकार के पास भेजा जाएगा। तो इसी क्रम में आज जो दूसरा पक्ष है जो चाहते हैं कि नगर पालिका का दर्जा बना रहे, वो लोग अपनी बात को रखने के लिए आज आए थे। उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं कि जो सर्वे हुआ वो प्रॉपर नहीं हुआ, तो उसकी हम जांच करवाएंगे और जो भी चीज़ इसमें दुरुस्त करने की बात है उसको दुरुस्त करवाया जाएगा और सही रिपोर्ट सरकार के तक पहुंचाई जाएगी। निकाय चुनाव में राजौर नगर पालिका में चेयरपर्सन का चुनाव भाजपा प्रत्याशी बबीता ने जीता। उनके नामांकन भरने के साथ ही उनके दस्तावेजों व दसवीं की मार्कशीट का विवाद शुरू हो गया था, जिसके विपक्ष के लोगों ने हर जगह अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी और प्रशासन से निवेदन किया था कि जब तक इसकी दसवीं की मार्कशीट की जाँच न हो तब तक इन्हें शपथ न दिलाई जाए। परन्तु इसके बावजूद आज बबीता ने राजौंद नगर परिषद की पर्सन के रूप में शपथ ली। वहीं सभी विपक्ष के लोगों ने नगर पालिका के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सड़क पर उतार इसलिए आना पड़ गया है नरेश जी की प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा है। मैंने आज से लगभग एक महीना पहले इनको अर्जी दी थी, अपील की थी कि इसके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाए। मुझे दिन प्रतिदिन गुमराह किया जा रहा है, कभी बोले भी आप RTI लगाओ, कभी कहते भी ये कागज रह गया, कभी कहते वो कागज रह गया। उसके बावजूद भी जब मैंने इनको बिल्कुल प्रूफ दे दिया लाके कि भई ये नकली है, प्रयागराज की है, 2020 में बनी हुई है, मेरे पास इसका पूरा चिट्ठा है, कहाँ की रहने वाली है, कितनी क्लास, ये 4th क्लास में सेटी हुई है। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।